वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, स्ट्रीम नहीं, येट अनदर वीडियो। और यहाँ पे आ चुके हैं नए गेम प्ले के साथ। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और यहाँ पे गेम स्टार्ट होता हुआ, आज का मैप है वीकेंडी। फ्लाइट पाथ की बात करेंगे कुछ ही देर में। तब तक के लिए टीम लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। 2, 3, 4, 5 किसी का नहीं है क्या? नहीं, स्लॉट ये खाली रहता है ब्रो, बट 5 स्लॉट यहाँ पे ओपन छोड़ते हैं एज यूजुअल, ताकि यहाँ पे ज़्यादा भसड़ ना हो जाए। फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ी देर में ही हम लोग गेम के अंदर घुस जाएंगे। और यहाँ पे मैप बन चुका है फिलहाल। यहाँ पे एक बार के लिए स्लॉट लिस्ट में बता दूँ तो ओके, काफ़ी सारी फुटस्टेप आती हुई, और थोड़ा सा साउंड अभी के लिए कम कर दिया जाए। और ओके, 68 अप्रॉक्स लोगों ने ज्वाइन किया समथिंग, और थोड़ा सा यहाँ पे रेंडर आता हुआ। फिलहाल के लिए स्लॉट लिस्ट आपके लिए बता दिया जाए तो स्लॉट लिस्ट में 4 आर्म्स, 7 पे एक्सट्रीम ई स्पोर्ट, 8 पे मिस्टीरियस, 9 पे टीम फैंटास्टिक, 10 पे टीम माइनस, 11 पे टीम रीजन, 12 पे टीम फैंटास्टिक 2, 13 पे डॉन, 14 पे यहाँ पे 13 ब्लड लाइन्स है जो चेंज हुआ है। बॉट बॉयज को यहाँ पे परमानेंटली रूम से किक कर दिया जाएगा आज के बाद। ब्रूजर्स की शॉट यहाँ पे 15 स्लॉट में आते हैं। 16 पे GTX गैंग, 17 पे हॉक क्लैन, 18 पे सूजी, 19 पे ALG, 20 पे TOG, 21 पे INDK किंग्स, 22 पे यहाँ पे DXC की स्क्वाड देखने मिली है, 23 पे गली बॉय, 24 पे टीम में हम, और 25 पे टीम टोटल वॉर एज यूजल यहाँ पे। और 68 लोगों की यहाँ लोगों ने यहाँ पे लगभग ज्वाइन किया है। काफ़ी सारी स्क्वाड यहाँ पे नहीं आती है, तो देखना होगा यहाँ पे कौन कौन सी स्क्वाड में कंप्लीट बंदे नहीं। ओके, टीम नंबर 7 डार्क हीरोज की स्क्वाड जो थी वो यहाँ पे हम लोग को एक्सट्रीम स्पोर्ट जो है उनके एक बंदे नहीं देखने मिल रहे। बाकी टीम नंबर 12 में भी 3 ही बंदे ने ज्वाइन किया है। 13, 14, 15 यहाँ पे सारी स्क्वाड यहाँ पे फुल देखने मिल रही है। और ओके, लगभग यहाँ पे सारी स्क्वाडों ने बाकी ज्वाइन किया है। सो थोड़ी देर में यहाँ पे फ्लाइट पाथ बन जाएगा। ओके, 78 पीपल ने लगभग ज्वाइन कर लिया, 2 ही बंदे यहाँ पे नहीं आए हमारे 20 के स्लॉट में से। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्लाइट पाथ बनता हुआ, बेबी ग्रूट वहाँ पे देखने मिल रहे हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच हो गया। फिलहाल के लिए फ्लाइट पाथ यहाँ पे हॉट स्प्रिंग से जवावा के पास में, विला विला बाकी एरिया क्लोज ड्रॉप में देखने मिल रहा है, कॉस्मोड्रोम जवावा, और यहाँ पे डोब्रो मेस तो जाना थोड़ा सा दूर है, डायनो पार्क भी यहाँ पे क्लोज में देखने मिल रहा है, वाइनरी भी, और विला की ड्रॉप यहाँ पे एक्सट्रीम ई स्पोर्ट्स यहाँ पे लेते हुए फिलहाल के लिए टीम नंबर 7। और भसड़ यहाँ पे कहाँ होगी, टोटल वॉर के आसपास यहाँ पे देखने मिल रहा है टीम नंबर 13 जो कि यहाँ पे डॉन की स्क्वाड है, आज पहली बार हमारा कस्टम खेल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट कैन दे प्रोवाइड। और सामने में ओके, टीम मेहम के साथ में भी यहाँ काफ़ी सारी मूवमेंट देखने मिल रही है। टीम नंबर 16, टीम नंबर 10 यहाँ पे क्लोज में, टीम नंबर 12 भी यहाँ पे काफ़ी पास में देखने मिल रहे, टीम माइनस और टीम फैंटास्टिक 2, और हम लोग को यहाँ पे देखने मिल रहा है GTX गैंग काफ़ी आसपास में, यहाँ पे फाइट हो सकती है खतरनाक। और एक सेकंड गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा कट करने में मुश्किल हो रही है। GTX के बंदे यहाँ पे गन पा चुके हैं, पीछे से शॉट्स आता हुआ, माइनस थैनोस यहाँ पे पिक करेंगे, बट नो डाउट काफ़ी अच्छा ट्रेड, रूनी का फिनिश ऑफ करके गन लेने की कोशिश होगी। फिलहाल के लिए अपने बंदे को रिवाइव देने की ज़रूरत, और जी हाँ, ये रिवाइव मिलता हुआ माल के ब्रो आर्मी को भी नॉक कर दिया है यहाँ पे पीछे से रुद्रा। ओके, रुद्रा वहाँ पे शिव को डाउन किया, डॉन की स्क्वाड यहाँ पे कभी भी वाइप हो सकती है। बोल्ट ने यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया है, अभी घुसने की कोशिश हो सकती है। फिलहाल के लिए GTX का टांडव नॉक है, उनको रिवाइव देने की ज़रूरत, बट यहाँ पे इनिशिएटिव लेते हुए और यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। यहाँ पे आ चुके हैं अपने बंदे को बचाने के लिए, बोल्ट यहाँ पे क्लोज इन करते हुए। फिलहाल के लिए वहाँ पे टोटल वॉर ने भी पाइप छेड़ दिया, और ओपी किलर भी यहाँ पे नॉक होते हुए देखने मिल रहे। डेडपुल यहाँ पे टीम ओके, टीम माइनस यहाँ पे क्लोजिंग कर सकती है कभी भी। फिलहाल के लिए यहाँ पे होल्ड करते हैं। टीम नंबर 12 उनके पीछे में देखने मिल रही है जो कि आई थिंक INDK ओके फैंटास्टिक की सेकेंड लाइन अप है। फिलहाल के लिए अभी के लिए यहाँ पे लूट करने की कोशिश होगी। 3 मैन स्क्वाड यहाँ पे ज्वाइन करते हुए, वाइपर क्रिश ने वहाँ पे ऑर्चिड के 24 को नॉक डाउन किया, फिनिश ऑफ भी कर दिया है। फिलहाल के लिए काफ़ी सारी फाइट इनिशिएट होते हुए देखने मिल रही है। TOG की स्क्वाड यहाँ पे इनिशिएटिव लेते देखने मिल रही है। टीम नंबर 19 ALG के सामने में अभी के लिए कोई भी खास यहाँ पे मूवमेंट नहीं, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। ZD यमन वहाँ पे नॉक करते हुए GTX के नाइट्रो को फिलहाल के लिए फिनिश ऑफ कर दिया। फैंटास्टिक की स्क्वाड यहाँ पे बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए, गली बॉय के यहाँ पे 3 बंदे वाइप हो गए, अर्ली एग्जिट हो सकते हैं यहाँ पे रफ्तार के फिनिश ऑफ होते हुए। ZD यमन यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे नो डाउट, और यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया। ओह, बहुत ही खतरनाक यहाँ पे M24 1 HP में फिनिश करने की कोशिश होगी उनकी, अभी गन वन लूटना होगा।
की जरूरत, बट रफ्तार यहाँ पे लिटरली 1 HP पे काफी अच्छा, यहाँ पे शॉटगन के साथ क्लच कर पाते हैं कि नहीं देखना होगा। फैंटास्टिक है, सौरभ वो भी यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, बट नो डाउट यहाँ पे डाउन कर दिया गया है। और गली बॉय की स्क्वाड यहाँ पे अर्ली एग्जिट देते हुए, फिलहाल के लिए DHT की स्क्वाड यहाँ पे ओपन में देखने मिल रही है। टीम नंबर सूजी के सामने में यहाँ पे टीम नंबर 8 देखने में, ओके टीम नंबर 11 देखने मिल रही है, जो कि यहाँ पे टीम रीजन की स्क्वाड है। और अभी के लिए उनके ऊपर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की कोशिश हो सकती है। TOG के फैंक को वहाँ पे फिनिश कर दिया गया है फिलहाल के लिए, आगे मूवमेंट देने की कोशिश। और नो डाउट यहाँ पे टीम ऑर्चिड विल बी द सेकेंड स्क्वाड टू गेट एलिमिनेटेड एंड दे विल गो टू द लॉबी। अभी के लिए टीम डेडपूल यहाँ पे जो है माल के, टीम ALG आई थिंक जिस वन, ओके टीम माइनस में अभी के लिए यहाँ पे खतरनाक ढंग से TPP लेते हुए, उधर रीजन के बंदे को नॉक किया। सूजी यहाँ पे फाइट लेते हुए टुथलीस को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया। अभी के लिए टीम नंबर 11 यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत में देखने मिल रही है। आगे मूव करते हुए यहाँ पे वैनिश, लेट्स सी यहाँ पे क्या कमाल करके दिखा पाते। अलग एंगल होल्ड किया हुआ है बाकी बंदों ने सामने से यहाँ पे, लेकिन करण के ऊपर शॉट आता हुआ लिटरली 1 HP बचे हैं। अभी के लिए फर्स्ट एड पॉप करेंगे नो डाउट, और अब यहाँ पे फाइट फिर से एंगेज करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सूजी की स्क्वाड इज नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और शॉक वेव यहाँ पे लेफ्ट साइड से आते हुए देखने मिल रहे हैं। सूजी के अमन यहाँ पे आगे आ चुके, ब्रूट गेमिंग यहाँ पे आगे जाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट्स आता हुआ बट वैनिश के शॉट नो डाउट यहाँ पे करेक्ट नहीं होता हुआ। करण यहाँ पे थोड़े से लो हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे यूजी से लॉन्ग स्प्रे लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट देखते हैं यहाँ पे कुछ खतरनाक स्प्रे दिखा पाते कि नहीं। नेक्स्ट गन इनके पास UMP-45 है, जो कि यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा नकली गन बोला जाएगा उनको। और PP-Bison यहाँ पे देखने मिल रही है। एग्जॉन के पास काफ़ी अच्छा कल का गेम प्ले था इनका, बहुत ही मज़ेदार गेम प्ले दिखाया इन्होंने अपनी टीम को, यहाँ पे खतरनाक तरीके से कैरी कर रहे थे कल, और आज देखना होगा यहाँ पे क्या कमाल करके दिखा पाते। सूजी की स्क्वाड यहाँ पे 1 किल निकाल चुकी है, 3 मैन डाउन है वहाँ पे रीजन की स्क्वाड, और अभी यहाँ पे होल्ड कर लिया है काफ़ी देर। यहाँ पे थोड़ा अब कैंपिंग का गेम चलेगा, लेट्स सी टीम में हम के पास में कोई फाइट हो रही है या नहीं। टोटल वॉर यहाँ पे स्टार्टिंग के ड्रोन की स्क्वाड को वाइप करके यहाँ पे 5 की 4 किल निकाल चुकी है। टोटल वॉर की स्क्वाड अभी के लिए आराम से जोन एंजॉय करते हैं। टीम में हम अभी तक किसी से इनिशिएट नहीं किया है, बट देखते हैं यहाँ पे क्या करके दिखाते हैं। और अभी के लिए यहाँ पे खतरनाक टाइप से कैंपिंग करते हैं। G26C है उनके पास, बट सामने में टीम नंबर 21 जो कि यहाँ पे फैंटास्टिक है आई थिंक, टीम आईएनडी किंग्स यहाँ पे, लेट्स सी यहाँ पे क्या करके दिखा पाते। सूजी के अमन ने वहाँ पे फिर से नॉक निकाल लिया है। सूजी ब्रूट गेमिंग को एग्जॉन ने पिकअप किया, अमन यहाँ पे ट्रेड देने की कोशिश। ब्रूट गेमिंग यहाँ पे लिटरली 1 HP बचते हैं और स्मोक स्पैम करते करते ब्लीड आउट हो जाएंगे नो डाउट, बहुत ही खतरनाक। और यहाँ पे नहीं बचा पाए अमन, यहाँ पे स्मोक ही डालते रह गए। फिलहाल के लिए यहाँ पे लूट करके उनको आगे जाने की कोशिश करेंगे। ब्रूट गेमिंग को यहाँ पे लूज करते हुए बंदे, आखिरी बंदे यहाँ पे बचे हुए हैं अभी के लिए। वैनिश करण को रिवाइव देने की कोशिश करेंगे, बहुत ही लो है करण, और शॉट्स यहाँ पे आ सकते थे। वेट करते हुए मैजिक सोपी, अभी के लिए यहाँ पे कोई भी शॉट नहीं आया। लेट्स सी यहाँ पे आगे इनिशिएट करते हुए करण वहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा। लेट्स सी यहाँ पे आगे सूजी के अमन मूव कर चुके हैं फिलहाल के लिए, बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुके हैं। एग्जॉन यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं और नेड आता हुआ फिलहाल के लिए। अभी के लिए शॉक वेव भी बहुत पीछे रह गए, सबसे आगे अमन आते हुए और स्प्रे डाउन करने की कोशिश होगी अमन की, बट यहाँ पे एग्जॉन को नॉक करते हो अमन विद दैट OP स्प्रे। अभी के लिए 2 बंदे बचते हैं और आगे घुस चुके अमन, बहुत ही खतरनाक तरीके से स्प्रे डाउन करने की कोशिश होगी, बट यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड आता है और लास्ट बंदे यहाँ पे सर्वाइव करते हुए 2v1 का सिचुएशन। मैजिक सोपी काफी पीछे है बट शॉक वेव यहाँ पे किल्स निकालेंगे। सूजी यहाँ पे डोमिनेट करती हुई टीम को, और बट ब्रूट गेमिंग को लॉस किया, 4 किलो हो चुके हैं, जोन के अंदर है लगभग, तो कोई भी दिक्कत होगी नहीं। टोटल वॉर की स्क्वाड यहाँ पे पीछे से आ सकती है उनके। हॉक की स्क्वाड यहाँ पे जोन के अंदर मूवमेंट देती हुई देखने मिल रही है। फिलहाल फोर आर्म्स की स्क्वाड यहाँ पे काफी अच्छा जोन एंजॉय करते हुए। एक्सट्रीम ई स्पोर्ट्स भी यहाँ पे ड्रॉप के पास देखने मिल रही है फिलहाल के लिए। टीम यहाँ पे ओके मेयम के पास में यहाँ पे टीम नंबर 22 अभी तक जोन के अंदर एंटर नहीं किया है फिलहाल। और लेट्स यहाँ पे ये कौन सी स्क्वाड, टीम नंबर 21 ओके INDY किंग्स की स्क्वाड यहाँ पे जो इंजॉय करते हुए विथ आई थिंक ही एट ग्रोजा और ओम यहाँ पे नानी के पास में देखने में रहा है OPD के फिलहाल के लिए। अभी यहाँ पे आराम से होल्ड करेंगे। वी आर डाउन टू 55 पीपल्स, 15 टीम्स आर स्टिल सर्वाइविंग, लेट्स सी हु विल गेट द चिकन डिनर। यहाँ पे सामने में अभी के लिए ओके मिस्टीरियस की स्क्वाड भी यहाँ पे धीरे धीरे मूवमेंट देते हुए देखने में रही है, कंप्लीट स्क्वाड यहाँ पे बची हुई है।
और टीम नंबर 12 यहाँ पे कौन सी स्क्वाड है, फैंटास्टिक की सेकंड लाइनअप है अभी के लिए। यहाँ पे सारी स्क्वाड इजी मूवमेंट दे रही है, कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहेगा। टोटल वॉर की स्क्वाड यहाँ पे सूजी की स्क्वाड की तरफ मूवमेंट देते हुए 4 के निकाल चुके, काफ़ी अच्छा गेम प्ले रहा है अभी तक का। और लेट्स सी, यहाँ पे 13 ब्लड लाइन्स भी यहाँ पे लेट ज्वाइन किया है, और देखना होगा यहाँ पे कुछ कमाल करके दिखा पाती है कि नहीं। कैसल के आगे का एंगल होल्ड किया हुआ है, जोन का रोटेशन यहाँ पे कट करने की कोशिश हो सकती है, बट अभी के लिए ये वाला व्हीकल काफ़ी फास्ट है, बट डैमेज यहाँ पे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है फिलहाल के लिए। 4 आर्म्स की स्क्वाड यहाँ पे जोन के अंदर मूवमेंट देती हुई देखने मिल रही है। और गाइस प्लीज़ यहाँ पे 755 के पहले ज्वाइन करो, नहीं तो स्लॉट दूसरे को अलॉट कर दिए, जैसे 14 स्लॉट और एक दो स्लॉट मैंने इधर उधर अलॉट किए हैं, तो वैसे ही होगा। 755 से पहले ज्वाइन करने की प्लीज़ कोशिश करिए। और अभी यहाँ पे फैंटास्टिक की स्क्वाड मूव करते हुए जोन के अंदर, कंप्लीट स्क्वाड नहीं, जेडी यमन यहाँ पे आई थिंक नॉक फिनिश हो गया था, 4 किल इनके भी हो चुके हैं फिलहाल के लिए। ओके, गली बॉय से इनकी फाइट हुई थी जिसमें आखिरी में आई थिंक रफ्तार ने यहाँ पे शॉटगन से किल निकाला था और अर्ली फिनिश कर दिया उनको। जोन यहाँ पे बनता हुआ सेकेंड, फर्स्ट जोन आई थिंक, ओके यहाँ पे फर्स्ट जोन अभी के लिए बनता हुआ। और हॉक की स्क्वाड यहाँ पे आती है, टोटल वॉर की स्क्वाड यहाँ पे सूजी की स्क्वाड के सामने से मूवमेंट दे रही है अभी के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पे क्लिच होता हुआ देख रहे, सूजी की स्क्वाड यहाँ पे जोन में होल्ड किया हुआ है और रोटेशन कट कर सकती है फिलहाल। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दिया जाए, अब यहाँ पे काफ़ी सारे फाइट होते हुए देखने मिल सकती है। टीम नंबर 12 के सामने में टीम नंबर 8 देखने मिल रही है हमें, मिस्टीरियस की स्क्वाड और 3v4 का सिचुएशन है। लेट्स सी यहाँ पे फाइट एंगेज करती है कि नहीं। यहाँ पे टीम नंबर 12 फैंटास्टिक की सेकेंड लाइनअप सामने से ओपन में जाते हुए तनिष्क यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं, नो डाउट अभी के लिए स्पॉट नहीं किया बंदों को, बट यहाँ पे आई थिंक साउंड वाउंड आ चुका है इन्हें। और लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या फाइट एंगेजमेंट होती है। डॉक्टर यहाँ पे पीछे में मूव करते हुए अभी के लिए टीम नंबर 12 यहाँ पे आगे में आ चुके हैं, उनके फुटस्टेप जरूर आ चुके हैं बंदों को, और यादव यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर सकते हैं फिलहाल। टीम नंबर 12 यहाँ पे एंगेज करते हुए टीम नंबर 8 से, और ये फाइट लेट्स सी यहाँ पे कितना टाइम लगता है फिलहाल के लिए। यहाँ पे ओपन में आते हुए प्रियास, ओके प्रियांशु यहाँ पे देखना होगा क्या हो, स्पॉट कर पाते हैं बंदों को या नहीं फिलहाल के लिए। तनिष यहाँ पे ओपन से फॉल बैक करते हैं, शॉट जरूर आएगा, डाउन नहीं हुए बंदे। टोटल वॉर वहाँ पे हॉक से फाइट लेते हुए, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारी फाइट एंगेज होती है फिलहाल के लिए। और अभी यहाँ पे शॉट्स आते हुए फिर टीम नंबर 12 यहाँ पे कम्प्लीटली एंगेज कर चुकी है दो बंदों को, यहाँ पे 20 HP छोड़ दिया। टोटल वॉर की स्क्वाड के पास जाने की कोशिश करेंगे और हॉक के से यहाँ पे फाइट लेते हुए एक और किल निकाल चुका है अभी के लिए। हॉक के मॉब के ऊपर शॉट लेने की कोशिश कर दीजिए, सैजल यहाँ पे फॉल बैक करते हुए थोड़ा, टोटल वॉर की स्क्वाड यहाँ पे फुल एंगेज करते हुए अभी के लिए मॉब को यहाँ पे नॉक करने की कोशिश। थैनटॉस वहाँ पे, थैनाटॉस ओके यहाँ पे नॉक करते, मेहम को वहाँ पे 13 ब्लड लाइन के बंदे नॉक करते हुए, टीम मेहम इज नाउ इन डेंजर यहाँ पे। और अभी के लिए सौरभ का भिट्टी का स्प्रे आता हुआ अमन के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं होगा। ग्रेवाल यहाँ पे आगे इनिशिएटिव करते हुए फिलहाल के लिए, लीजन वहाँ पे लॉक होते हुए सैहॉन से, और सैजल को यहाँ पे मॉफिस ने नॉक किया है अभी के लिए। बहुत सारी फाइट एंगेज होती है, सौरभ यहाँ पे देखना होगा क्या कमाल करके दिखा पाते हैं। मेहम को अभी तक रिवाइव नहीं मिला है, वो भी यहाँ पे पीछे से होल्ड करने की कोशिश। सौरभ का यहाँ पे एक नेड और कमाल हो सकता था, बट पीछे में हॉकाई ने वहाँ पे रिवाइवल दे दिया। सैजल को वहाँ पे पिकअप कर लिया मॉफिस ने, और अभी के लिए भुप्पी यहाँ पे पीछे से स्प्रे देने की कोशिश फिलहाल के लिए। मैम को वापस पिकअप कर लिया गया है और आगे इनिशिएटिव लेते हुए हॉकाई, और रुद्रा ने वहाँ पे हैमिस को यहाँ पे डाउन किया। टोटल वॉर यहाँ पे सैजल का लॉस, देखना होगा क्या होता है। ग्रेवाल यहाँ पे आगे से होल्ड करने की कोशिश, काफ़ी अच्छा स्प्रे, बट हॉकाई यहाँ पे कवर में जाने की कोशिश करते हुए फिलहाल के लिए। रुद्रा को पिकअप कर लिया मॉफिस ने, बट हैमिस को यहाँ पे वाइप कर दिया है, मॉफिस को यहाँ पे वाइप कर दिया मर्सी ने। हॉक आई थिंक हॉक इज डाउन नाउ, और अभी के लिए डेड शॉट वहाँ पे दयालम को नॉक करते हैं। सौरभ यहाँ पे लेफ्ट साइड से फ्लैंक करने की कोशिश करेंगे एमके उनके पास दैट बीच गन, बट यहाँ पे अकेले होते हुए अपनी टीम से बुप्पी यहाँ पे स्प्रेडेड है टीम में हम थोड़ी सी, और काफ़ी एकोमोडेटेड है जैस यहाँ पे आगे इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे। डेड शॉट को वहाँ पे प्रियांशु ने नॉक कर दिया है अभी के लिए। यहाँ पे खतरनाक तरीके से सौरभ टीपीपी लेते हुए फॉल बैक किया है फिलहाल के लिए। अभी यहाँ पे क्रेटोस को पिकअप कर लिया, बहुत ही सारी फाइट होते हुए एंगेज। अब 4 आर्म्स की स्क्वाड के ऊपर मूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, सुप्लेक्स यहाँ पे बचते हैं लेवी के साथ, और क्रेटोस
यहाँ पे पीछे से स्प्रे आता हुआ और खतरनाक टाइप से टीम नंबर 21 यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर दिखाते हुए अपना नानी का स्प्रे आया था वहाँ पे, सुप्लेक्स को डाउन करने की कोशिश हो सकती है। एक नेडो यहाँ पे सुप्लेक्स डाउन हो जाएंगे फिलहाल के लिए, रिवाइव दे दिया गया है क्रेटोस को और लेवी यहाँ पे इनिशिएट करते हुए काफी अच्छा पिकअप हैरी को वहाँ पे पिकअप कर लिया है। और अभी के लिए नेड सुप्लेक्स को कनेक्ट होता हुआ जैसे मैंने कहा था, फिलहाल यहाँ पे फोर आर्म्स इज नाउ इन डेंजर। अभी के लिए सुप्लेक्स को रिवाइव देना इम्पॉसिबल सा दिख रहा है, बट नानी के ऊपर स्प्रे आता हुआ क्रेटोस का और पिकअप करने की कोशिश कर सकती है। साइहो ने यहाँ पे आगे इनिशिएटिव लेते हुए स्प्रे डाउन कर दिया है, यहाँ पे हैरी को पिकअप करते हुए क्रेटोस फाइट यहाँ पे बराबर की होते हुए 2v3 का सिचुएशन सामने में आ चुके हैं। लेवी और यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश हो सकती थी, बट काफी अच्छा स्प्रे लेवी का और पिकअप कर लिया बंदे को। अभी के लिए यहाँ पे आगे घुसने की कोशिश बनी यहाँ पे आगे इनिशिएटिव लेते हुए फिलहाल के लिए, और क्रेटोस को वहाँ पे नानी ने पिकअप कर लिया है। नो डाउट यहाँ पे फोर आर्म्स की स्क्वाड वाइप हो चुकी है। लेट्स मूव टू मेहम की स्क्वाड और यहाँ पे 0 kills के साथ अभी भी ब्लड लाइन 13 bloodlines के सामने में होल्ड करते हुए, काफी होल्ड का गेम हो चुका है। 13 bloodlines यहाँ पे एक हाउस में अटक चुकी है फिलहाल के लिए, आगे मूव करने की जरूरत। जोन यहाँ पे अभी बनेगा कुछ ही देर में और लेट्स सी कौन कौन सी स्क्वाड को यहाँ पे जोन मूवमेंट देना हो सकता है फिलहाल के लिए। अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैसे गेम चला है, नेड होती तो यहाँ पे गेम प्ले निकाला जा सकता था। अमन को यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश हो गई कि कोई भी स्पॉट से यहाँ पे कोई भी, उधर रिया ने पिकअप किया है अभी के लिए और बहुत ही सारी फाइट एक साथ चलते हुए डीएक्सी की स्क्वाड यहाँ पे इनिशिएटिव लेते हुए देखने मिल रही है सामने में यहाँ पे टीम नंबर 8 के ऊपर, और टीम नंबर 19 यहाँ पे पीछे से डाउन होते हुए बंदे लियो को यहाँ पे पिकअप किया। एक ने से दो बंदे रिया और लियो नॉक ने शार्क वाइट यहाँ पे लिटरली 1 HP बचते हुए। मिस्टीरियस स्क्वाड अब यहाँ पे क्लोजिंग करेगी आगे मूवमेंट देते हुए, मैं हमने यहाँ पे यूवी को पिकअप कर लिया डीएक्सी के बंदे, स्क्वाड वाइट यहाँ पे लिटरली नॉक होते हुए और अब यहाँ पे शार्क के ऊपर पूरा डाउन होता है फिलहाल के लिए। यहाँ पे डेथ शॉट काफी खतरनाक तरीके से मूवमेंट देते हैं डीएक्सटी के, शार्क वाइटी के यहाँ पीछे से स्प्रे आएगा बट काफी अच्छा ड्रॉप शॉट से शार्क वाइटी से बहुत ही लो बचे हुए हैं अभी के लिए। और मूवमेंट यहाँ पे मिस्टीरियस की स्क्वाड अभी के लिए गेम में फंसे 12 नंबर टीम यहाँ पे पीछे से इनिशिएटिव लेते हुए देखने मिल रही है हम लोग को, और फिलहाल यहाँ पे स्टार्क हील करते हुए डेथ शॉट को फिनिश अप कर सकते हैं। 12 नंबर टीम यहाँ पे थर्ड पार्टी करने की फुल कोशिश फिलहाल के लिए अंदर क्लोजिंग करेगी नो डाउट, बट यहाँ पे डॉक्टर का काफी अच्छा स्प्रे डेथ शॉट को वहाँ पे पिकअप कर लिया। स्टार्क ने किल्स निकालते हुए अपनी टीम के लिए बट यहाँ पे नॉक हो सकते थे सामने मूवमेंट दिया है, काफी अच्छा गेम प्ले यहाँ पे डॉक्टर से देखने मिल रहा है बट यहाँ पे देखना होगा यहाँ पे फिनिश ऑफ करने की कोशिश, बट यहाँ पे मिस्टर की स्क्वाड नो डाउट वाइप हो जाएगी खतरनाक तरीके से। ALG की स्क्वाड अब फोर्थ पार्टी करने आ चुकी है फिलहाल के लिए, यहाँ पे OP किलर मूवमेंट देते हुए 5 kill निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ऊपर के लिए मूवमेंट देते हुए यहाँ पे बंदे अब क्लोजिंग कर चुके हैं फिलहाल, देखना होगा यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश होगी। OP किलर यहाँ पे अंदर मूव करते हुए खतरनाक टाइम से और अभी के लिए यहाँ पे स्प्रे लेने की कोशिश डाउन नहीं किया है वहाँ पे 13 ग्रेवाल पिकअप करते हैं, मैं वहाँ पे 13 के बंदे को पिकअप कर लिया है। अभी के लिए पीछे से स्प्रे आता हुआ वाइप कर दिया यहाँ पे स्क्वाड को, अब यहाँ पे रिवाइव देने की जरूरत, 13 bloodlines के पास वापस करने की कोशिश करेंगे। दो बंदे यहाँ पे नॉक पड़े हुए, बुप्पी यहाँ पे फिनिश हो गए, मैम की स्क्वाड यहाँ पे 13 bloodlines वाइप करते हुए फिलहाल के लिए। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव गेम प्ले हर तरफ चलता हुआ दिखा पाना इम्पॉसिबल, खतरनाक तरीके से यहाँ पे 13 bloodlines वाइप करते हुए RTV मैम की स्क्वाड को, और अब यहाँ पे जोन के अंदर तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। टीम INDI किंग्स यहाँ पे मूवमेंट देते हुए देखने मिल सकती है। DXT की स्क्वाड यहाँ पे स्टार्क वाइटी अकेले बंदे बचे हैं, एक ही किल डेडशॉट का ले पाए थे, बाकी यहाँ पे थर्ड पार्टी में बंदे वाइप होते हुए अभी के लिए यहाँ पे आई थिंक कैम करते हुए बोला जा सकता है टीम नंबर 19 के पास में, और ALG की स्क्वाड यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी में हो सकती है। अगर स्पॉट नहीं गया स्टार्क वाइटी को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है उनके लिए फिलहाल। अभी यहाँ पे स्प्रे दे दिया है स्टार्क वाइटी ने आई थिंक, और अब यहाँ पे अकेले होल्ड करते हैं टीम नंबर 19 की कंप्लीट स्क्वाड को, स्प्रे आएगा बट स्टार्क वाइटी को यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए। OP किलर अभी के लिए टीम नंबर 19 9 kill के साथ काफ़ी डोमिनेटिंग गेम प्ले दिखाया है। टोटल वॉर की स्क्वाड को देखना होगा यहाँ पे क्या कमाल करके दिखा पाती है फिलहाल, लेट्स सी वे आर दे, और टोटल वॉर की स्क्वाड के पास जाने की कोशिश करते हैं। क्लिक नहीं हो रहा यार, ओके। टोटल वॉर यहाँ पे 8 kills निकाल चुके हैं। सैजल यहाँ पे अर्ली एग्जिट लेते हुए अपनी टीम से फिलहाल के लिए होल्ड किया हुआ है कंपाउंड, और सूजी की स्क्वाड के सामने में देखने मिल रही है एक स्क्वाड टीम नंबर 7 और आई थिंक एक्सट्रीम ई स्पोर्ट्स से आ, और अभी के लिए स्प्रे लेने की कोशिश बट कनेक्ट नहीं होता हुआ, और
सतीश अगॉस्टिन के ऊपर स्प्रे आता हुआ, बट पीछे से अच्छा ट्रेड आता हुआ डार्क के बंदों का अभी के लिए पीछे मूव कर लिया है सतीश अगॉस्टिन ने, बट अच्छा कवर यहाँ पे सूजी के अमन का फिलहाल के लिए राइट साइड में यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश हो सकती है। शॉक वेव यहाँ पे खतरनाक तरीके से टीपीपी लेते हुए यहाँ पे ओपन से आते हुए एक्सट्रीम वेनम, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है गेम प्ले। बाकी सतीश का यहाँ पे काफ़ी अच्छा कवर आएगा, बट वेनम को यहाँ पे मैजिक ओपी नॉक करते हुए दोनों स्क्वाड से खतरनाक तरीके का वेडू को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है, और सतीश अगोस्टिन यहाँ पे आखिरी बंदे बचते हैं। सूजी के अमन यहाँ पे इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर जाने की कोशिश, पीछे से स्प्रे आता हुआ नो डाउट अभी के लिए यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश हो सकती थी, बट मॉली पड़ गया है यहाँ पे वेनम को, बचा पाना इम्पॉसिबल। और सतीश अगोस्टिन आई थिंक लास्ट बंदे बचते हैं, हील पॉप कर लिया है, शॉक वेव यहाँ पे आगे मूव करने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी यहाँ पे नॉक निकाल पाते हैं कि नहीं, 1v3 का सिचुएशन। और फिलहाल के लिए यहाँ पे शॉक वेव के ऊपर इनिशिएटिव लेते हुए काफ़ी अच्छा कवर आया बंदों का, और सूजी की शॉक वेव यहाँ पे किल्स निकालते हुए, लेट्स सी यहाँ पे कितने किल हो चुके हैं, और ग्राउंड पे यहाँ पे हम लोग को देखने मिला 7 किल निकाल चुके हैं सूजी की स्क्वाड। टोटल वॉर की स्क्वाड यहाँ पे इनके क्लोज में देखने मिली है, पीछे में अभी के लिए होल्ड किया हुआ है कंपाउंड, और वी आर डाउन टू 27 पीपल। जोन यहाँ पे बनता हुआ थर्ड, ओके थर्ड जोन यहाँ पे बनता हुआ अभी के लिए टोटल वॉर की स्क्वाड यहाँ पे जोन के अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं है। गोरोको का एंगल होल्ड किया हुआ है, सूजी की स्क्वाड भी यहाँ पे कंफर्टेबल देखने मिल रही है, ब्रूजर्स की स्क्वाड यहाँ पे टीम नंबर 15 अभी के लिए जोन के अंदर मूवमेंट देते हुए देखने मिलेगी, और वाइपर की स्क्वाड यहाँ पे टीम ALG के सामने आ सकती है। फैंटास्टिक स्क्वाड यहाँ पे जोन के अंदर मूवमेंट दे चुका है अभी के लिए, सबसे ज़्यादा आगे मूवमेंट देते हुए, और जोन के अंदर आ चुके हैं बंदे अभी के लिए टीम नंबर, ओके काफ़ी अच्छा एंगल होल्ड किया है, एंगल रोटेशन देते हुए, बट सूजी की स्क्वाड के सामने में यहाँ पे सूजी की स्क्वाड देखना होगा यहाँ पे क्या करती है, शॉर्ट्स वॉर्ट्स आते हैं या नहीं, आ चुकी है यहाँ पे सामने में फैंटास्टिक की स्क्वाड, फाइट होगा हेड ऑन हेड, और आई थिंक 3v3 का सिचुएशन, या जी हाँ यहाँ पे 3v3 का सिचुएशन। जेडी अमन यहाँ पे अर्ली नॉ वाइप हो चुके थे, फैंटास्टिक की स्क्वाड यहाँ पे 4 किल के साथ फाइट लेते हुए देखने मेरे, नेड आ सकता है यहाँ पे। सूजी के शॉक वेव को स्पॉट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और इनके पास है भी यहाँ पे ग्रेनेड देखने मिल रहे हैं, अगर यहाँ पे एक ग्रेनेड पॉप किया जाए तो खतरनाक सीन हो सकता है। उमेश को पिकऑफ करेंगे नो डाउट, काफ़ी अच्छा शॉक वेव का स्प्रे अभी के लिए यहाँ पे फैंटास्टिक स्क्वाड के पर्दा देखने मिल सकता है, शॉट्स आते हुए दोनों ही टीम से। उमेश को यहाँ पे रिवाइव देना थोड़ा सा ज़रूरी, जल्दी रिवाइव नहीं मिलता है तो गलत सीन हो सकता है, क्योंकि अमन यहाँ पे एंगल निकालने की कोशिश करेंगे नो डाउट, एक नेड और यहाँ पे बंदे पिकअप हो सकते हैं, मॉली यहाँ पे ट्राई कर दी गई है, और जी हाँ यहाँ पे मॉली, लेट्स सी यहाँ पे पड़ती है कि नहीं। उमेश को यहाँ पे स्टेयर्स पे रिवाइवल देते हुए, और अमन यहाँ पे काफ़ी अच्छा एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, टोटल वर्क स्क्वाड वहाँ पे पीछे में है, लेट्स सी यहाँ पे उमेश को रिवाइव मिल चुका है फिलहाल के लिए, फैंटास्टिक वर्सेस सूजी यहाँ पे फेयर फाइट होता हुआ प्योरली अभी के लिए आगे मूव किया गया है मैजिक्स ओपी से, और मैजिक्स ओपी यहाँ पे देखना होगा नॉक निकाल पाते हैं कि नहीं। अमन यहाँ पे ओके फ्यूल बश करते हैं, बट नो डाउट यहाँ पे डैमेज नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए, 27 पीपल यहाँ पे अलाइव है, 8 टीम्स हैं, और सूजी के अमन यहाँ पे क्लोजिंग कर चुके हैं फिलहाल के लिए। सूजी का अमन यहाँ पे नॉक निकालने की कोशिश कर सकता था, शॉक वेव यहाँ पे आगे में मूवमेंट दे चुके हैं अभी के लिए, फैंटास्टिक की स्क्वाड थोड़ी सी एकोमोडेटेड हो गई है, नेड यहाँ पे ट्राई नहीं कर रहे हैं बंदे, जो कि यहाँ पे आई थिंक करना चाहिए था। सूजी के मैजिक सोपी और आगे मूवमेंट देते हुए फिलहाल के लिए चारों तरफ तीनों तरफ से यहाँ पे होल्ड कर लिया गया है, नेड यहाँ पे अब पुल ऑफ हो रहा है, और फिलहाल के लिए टोटल वॉर की बंदे वहाँ पे नॉक होते हैं, बेबी ग्रूट से नाजिश यहाँ पे होल्ड किया हुआ है फिलहाल के लिए, लेट्स सी यहाँ पे नॉक निकालना थोड़ा सा ज़रूरी बंदों का, और वहाँ पे टोटल वॉर की स्क्वाड पूरी कम्प्लीटली नॉक होते हुए बंदे, लेट्स सी यहाँ पे बेबी ग्रूट यहाँ पे खतरनाक तरीके से इनिशिएटिव लेते हुए आगे मूवमेंट कर दिया द मी ने, और यहाँ पे रुद्रा को पिकअप कर सकते हैं, री डॉट यहाँ पे आखिरी बंदे बचेंगे नो डाउट, और टोटल वॉर की स्क्वाड कभी भी फिनिश ऑफ हो सकती है। रुद्रा को वहाँ पे पिकअप कर लिया एंडी, उमेश सूजी की स्क्वाड यहाँ पे वाइप निकालते हुए फिलहाल के लिए वापस मूव करना होगा उस फाइट पे अभी के लिए। अमन नॉक पड़े हुए हैं, शॉक वेव यहाँ पे आगे मूव करने की कोशिश करते हुए, और फैंटास्टिक के सौरभ को भी नॉक कर दिया गया फिलहाल के लिए। सूजी के शॉक वेव यहाँ पे आगे मूवमेंट देंगे बंदे यहाँ पे घुसते हुए फिलहाल के लिए, और यहाँ पे फैंटास्टिक स्क्वाड को वाइप कर दिया गया, रिवाइव दिया जाएगा अपने बंदे को, अमन यहाँ पे ओपन में, और टोटल वर्क स्क्वाड वहाँ पे वाइप होते हुए ALG की स्क्वाड यहाँ पे अंदर आके होल्ड कर लिया है फिलहाल के लिए। बहुत ही सारे बंदे यहाँ पे नॉक देखने मिल रहे हैं हम लोग को, और बहुत ही ज़्यादा फाइट देखने मिल रही है, टीम नंबर 21 यहाँ पे अंदर आ चुकी है INDY किंग्स की, और फिलहाल के लिए नो डाउट यहाँ पे वाइप किया जाएगा। 13 ब्लड लाइन्स अभी के लिए काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए, पीछे से यहाँ पे अमन आ चुके हैं, और अभी के लिए GTX से बोल्ट को यहाँ पे डाउन करने की कोशिश की जाएगी। GTX गैंग यहाँ पे देखना होगा क्या कमाल करके दिखा पाती है। 13 ब्लड लाइन्स यहाँ पे 5 किल निकाल चुकी है,
फिलहाल के लिए, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा आगे मूवमेंट देने की कोशिश। थोड़ा सा यहाँ में हालत बैंड हो गई भाई आज खतरनाक तरीके से, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइट एंगेज होते हुए GTX के गैंग यहाँ पे, GTX गैंग यहाँ पे आगे आते हुए, टांडव यहाँ पे देखना होगा किल्स निकालने की कोशिश हो सकती है इनकी, आगे इनिशिएटिव लेते हुए 1v3 का सिचुएशन हो जाएगा अगर ये अभी क्लोजिंग करते हैं, बट वापस कॉल बैक किया है और यहाँ पे अमन को पिकअप कर लिया है नानी ने। फिलहाल बहुत ही खतरनाक सीन होता हुआ और अब यहाँ पे GTX के बंदे का स्प्रे आता हुआ, बट यहाँ पे नॉक वाइप कर दिया टीम नंबर 21 आयनिक सिंह से, यहाँ पे वाइप होती है बट पीछे से यहाँ पे प्रे आएगा और यूवी यहाँ पे नॉक निकालते हैं, बट काफ़ी अच्छा जी सेंट्रॉन का नॉक और वापस यहाँ पे अपने बंदे को रिवाइव देने की कोशिश हो सकती है, फिनिश ऑफ करने की कोशिश, और यहाँ पे यूवी को फिनिश ऑफ कर दिया गया है। GTX वर्सेस 13 ब्लड लाइन्स यहाँ पे होता हुआ, फिलहाल के लिए ग्रे वॉल नीचे जंप ले चुके हैं, अभी के लिए ऊपर जाने की कोशिश, यहाँ पे बंदे यहाँ पे फॉल बैक करते हुए दिखने मिल रहे हैं थोड़े थोड़े फिलहाल के लिए, और यहाँ पे सेंट्रॉन को नॉक करके फिनिश ऑफ कर दिया है। फिलहाल के लिए 13 ब्लड लाइन्स दो बंदों के लॉस के साथ 10 किल निकाल चुके हैं। यूवी यहाँ पे ही जैस यहाँ पे हील करते हुए देखने मिल रहे हैं, दो बंदों का लॉस हुआ है फिलहाल के लिए, जोन यहाँ पे बनता हुआ और वी आर डाउन टू 13 पीपल्स। इतने जल्दी बंदे वाइप हुए और यहाँ पे ऑम यूज़ करते हुए सूजी के अमन माल की टीम ALG यहाँ पे ओपन में आते हुए, बट जोन होल्ड कर लिया, व्हीकल बच करने की पूरी कोशिश होगी, यहाँ पे कोई भी ट्रेड फायर नहीं आता और 10 किल निकाल चुकी है सूजी की स्क्वाड। राइट साइड से यहाँ पे ब्रूजर्स की स्क्वाड क्लोजिंग करने की कोशिश करेगी, टोटल वॉर को खतरनाक तरीके से पिकअप किया था वहाँ पे, अभी के लिए यहाँ पे 2v4v सूजी की स्क्वाड यहाँ पे मूव करते हुए लूट करने की कोशिश होगी। जोन के अंदर यहाँ पे स्क्वाड आ चुकी है, बट 13 ब्लड लाइन्स यहाँ पे ब्रूजर्स के सामने से मूवमेंट देते हुए देखने मिल रही है, अभी के लिए ब्रूजर्स की स्क्वाड यहाँ पे होल्ड किया हुआ है एंगल और स्प्रे आ सकता है, बट ब्रूजर्स भी यहाँ पे जोन रोटेशन देते हुए 13 ब्लड लाइन्स, लेट्स सी यहाँ पे क्या कैसा रोटेशन देती है, क्योंकि सामने में उनके चारों तरफ स्क्वाड है, अभी के लिए इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट सा सिचुएशन बनता है। 10 किल निकाल चुकी है 13 ब्लड लाइन्स, वी आर डाउन टू 4 टीम्स और यहाँ पे 13 लोग अलाइव हैं, तो लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम, यहाँ पे सारी टीम वैसे इन डोमिनेशन। देखो ALG की स्क्वाड भी वहाँ पे 9 किल निकाल चुकी है, सूजी की स्क्वाड यहाँ पे टोटली 10 किल्स निकाल चुकी है, 13 ब्लड लाइन की 10 किल्स में, अभी के लिए स्प्रे आता हुआ मैजिक्स OP का आगे एंगल होल्ड किया है अभी, और ब्रूजर्स की स्क्वाड लेट्स सी कितने किल्स, 3 किल्स के साथ यहाँ पे मूवमेंट देते हुए, बट जैस का वहाँ थॉर को खतरनाक नॉक, अभी के लिए डाइटोना रिवाइव देते हुए देखने मिलेंगे, स्मोक यहाँ पे स्पैम कर दिया गया है और स्प्रे आता हुआ दोनों ही तरफ से सामने से, यहाँ पे 13 ब्लड लाइन्स क्लोजिंग करने की कोशिश करते हुए ब्रूजर्स के ऊपर ब्रूट यहाँ पे आ चुके हैं, बट ग्रेवाल को यहाँ पे पिकअप किया जा सकता है जी हाँ, यहाँ पे पिकअप होते हुए और अभी के लिए थॉर को रिवाइव नहीं दे पा रहे हैं, ग्रेवाल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो है, स्प्रे आता हुआ दमी को भी पिकअप कर लिया है, जैस वहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं और ग्रेवाल यहाँ पे हील पॉप करते हुए, डाइटोना यहाँ पे देखना होगा क्या कमाल करके दिखा पाते हैं, अभी के लिए ग्रेवाल बहुत ही खतरनाक गेम पे दिखाते हुए और पिकअप कर सकते थे डाइटोना को, बट ऊपर से यहाँ पे स्प्रे आएगा ज़रूर, थॉर यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं, बहुत ही खतरनाक ग्रेवाल का गेम प्ले अभी के लिए, लेफ्ट साइड से पिकअप करेंगे और दो बंदे को पिकअप कर चुके हैं, लेट्स सी यहाँ पे ऊपर से आते हुए डाइटोना और बट यहाँ पे पीछे से वाइपर क्रिश ने डाउन कर दिया किल निकालते हुए अभी के लिए, बट ब्रूजर्स यहाँ पे बहुत ही गलत सिचुएशन में, रिवाइव देना ज़रूरी, बेबी ग्रूट और द मी यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं और फिलहाल के लिए 13 यहाँ पे टीम नंबर 19 देखना होगा माल टीम ALG यहाँ पे अभी के लिए 10 किल्स के साथ ब्लड लाइन्स वहाँ पे 13 ब्लड लाइन्स वाइप हो चुकी है, सूजी की स्क्वाड यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश करी जोन के अंदर यहाँ पे है बट मूव करने की कोशिश, सामने से स्प्रे आता और ट्रेड फायर काफ़ी अच्छा, बट यहाँ पे इनिशिएटिव ले लिया बाकी बंदों ने और मूव करते हुए सूजी के शॉकवेव ने यहाँ पे डाउन कर दिया है 3-man स्क्वाड यहाँ पे, काफ़ी खतरनाक गेम प्ले दिखाते हुए क्रिश यहाँ पे ओपन से आते हुए, हैरिस का काफ़ी अच्छा ट्रेड बोला जा सकता है फिलहाल के लिए, अमन यहाँ पे कवर में आ चुके हैं, मैजिक्स OP को यहाँ पे जोन में आने की ज़रूरत, पीछे से यहाँ पे देखना होगा क्या कमाल करके दिखा पाती है ब्रूजर्स की स्क्वाड, नेड यहाँ पे थ्रो करने की कोशिश बट लेट्स यहाँ पे कनेक्ट होता है कि नहीं, सूजी के शॉकवेव वहाँ पे कवर में जाएंगे, प्री नेट था काफ़ी, अगर कुक्ड होता तो कुछ सीन बन सकता था फिलहाल के लिए, अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मॉली ट्राई करने की कोशिश अमन को, लेट्स सी यहाँ पे मॉली कनेक्ट होती है या नहीं, फिलहाल के लिए यहाँ पे सूजी की स्क्वाड जोन के अंदर आ चुकी है, मैजिक्स OP यहाँ पे अपने लिए कवर बनाते हुए फिलहाल के लिए, सूजी के अमन यहाँ पे ट्रेड देने की कोशिश कर सकते हैं फिलहाल, और अगर यहाँ पे मैजिक्स OP को नॉक करने की कोशिश होगी अगर हैरिस की तो ट्रेड यहाँ पे आ सकता है, नेड यहाँ पे ट्राई किया गया है, लेट्स सी यहाँ पे नेड नो डाउट कनेक्ट नहीं होगा, हैरिस यहाँ पे कवर में जाते हुए फिलहाल के लिए, और मैजिक्स यहाँ पे जोन के अंदर आ चुके हैं अभी और पीछे से ब्रूजर्स की स्क्वाड को भी अंदर आने की ज़रूरत, बट आ चुके हैं जोन के अंदर
और ये स्क्वाड यहाँ पे पीछे से थर्ड पार्टी करते देखने मिल सकती है। सूजी के अमन ने यहाँ पे पिकअप किया हैरिस को और फाइट अब यहाँ पे एंगेज होती है देखने मिल सकती है। शॉकवेव यहाँ पे इनिशिएटिव लेते हैं। सूजी यहाँ पे आज बहुत ही कमाल का गेम प्ले दिखाया और ओपी के किलर को भी डाउन कर दिया है फिलहाल के लिए। सूजी के शॉकवेव यहाँ पे आगे मूव करने की कोशिश, फिलहाल थोड़ा सा साउंड में डाउन कर देता हूँ। और जी हाँ, यहाँ पे दो बंदे नॉक हो चुके, क्रिश यहाँ पे लास्ट बंदे बनते हैं। पीछे से यहाँ पे ब्रूजर्स की स्क्वाड कभी भी क्लोजिंग कर सकती है। फिलहाल के लिए मैजिक सोपी यहाँ पे राइट साइड से मूव करना गलत डिसीजन हो सकता है उनका, घर हाउस टू हाउस मूव करते हुए सूजी की स्क्वाड फिलहाल के लिए यहाँ पे नॉक फिनिश डालेंगे बंदों को। और सूजी यहाँ पे डाउन कर दिया क्रिश को भी डायटोना ने। अब यहाँ पे सूजी की स्क्वाड वर्सेस पीछे से यहाँ पे ब्रूजर्स की स्क्वाड हो चुकी है। दोनों ही टीम लगभग जोन के अंदर है, बट यहाँ पे द मी और बेबी ग्रूट को मूव करने की जरूरत, डायटोना इज इन द जोन। लेट्स सी फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या रख सकते हैं गेम में। और यहाँ पे दो ही टीम बचती है, ब्रूजर्स वर्सेज सूजी। लेट्स सी हु विल गेट दैट फकिंग चिकन डिनर। यहाँ पे सामने में मूवमेंट दिया है, जोन के अंदर है सूजी की कंप्लीट स्क्वाड, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सिचुएशन देखने मिल रहा है ब्रूजर्स के द्वारा। अभी के लिए 13 किल निकाल चुकी है सूजी की स्क्वाड, फुल ऑन डोमिनेशन। और लेट्स सी यहाँ पे क्या गेम प्ले रहता है उनका। फिलहाल यहाँ पे 6 ही बंदे बचते हैं और बेबी ग्रूट को यहाँ पे लेट्स सी स्पॉट किया या नहीं। स्मोक यहाँ पे बना के जोन के अंदर आना चाहेंगे ज़रूर, बट डायटोना का यहाँ कवर देखने की ही बात होगी। यहाँ पे कवर अगर अच्छा आया तो जोन के अंदर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है ब्रूजर्स के लिए। और सूजी के अमन को डायटोना पिकअप करते हुए, जी हाँ, यहाँ पे खतरनाक गेम प्ले दिखाते हुए डायटोना अभी के लिए 5 किल निकाल चुके हैं। मैजिक्स ओपी को यहाँ पे स्मोक उनके मुंह पे डालने की कोशिश, अभी के लिए यहाँ पे अंदर आने की कोशिश हो सकती है। एम के यहाँ पे देखने मिल रहा है उनके पास, अभी के लिए क्लोज इन कर दिया है। और सूजी के मैजिक्स ओपी को यहाँ पे डाउन करना काफ़ी क्रूशियल मोमेंट होगा उनके लिए। अमन को वहाँ पे रिवाइव मिलता हुआ और यहाँ पे कवर में आ चुके बंदे, सॉक यहाँ पे लेफ्ट साइड से पिकअप करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे स्मोक अभी के लिए होल्ड किया, बट यहाँ पे द मी को नॉक कर दिया है डायटोना का। ये नेड यहाँ पे देखने की बात होगी, प्री नेड यहाँ पे अगर कुक होता तो कुछ सीन हो सकता था। फिलहाल के लिए यहाँ पे दोनों ही साइड से नेड आता हुआ, डायटोना यहाँ पे आगे इनिशिएटिव करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे द मी नॉक हो चुके हैं अभी के लिए डायटोना, यहाँ पे बेबी ग्रूट को भी नॉक कर दिया है मैजिक टोपी ने। 1v3 का सिचुएशन और नो डाउट सूजी यहाँ विल गेट द चिकन डिनर। बहुत ही खतरनाक गेम प्ले आज का, मजा आ गया। और यहाँ पे 16 किल्स के साथ यहाँ पे चिकन डिनर ले जाती हुई सूजी की स्क्वाड सेकंड पोजीशन पे आई है। यहाँ पे ब्रूजर्स की स्क्वाड विथ आई थिंक 5 किल्स। थर्ड पोजीशन पे ALG की स्क्वाड आई है विथ 10 किल्स यहाँ पे निकाले हैं। फोर्थ पोजीशन पे आई है 13 Bloodline, जिन्होंने यहाँ पे 11 किल्स निकाले हैं आई थिंक, या 11 किल्स के साथ फोर्थ पोजीशन पे आते हुए। GTX की स्क्वाड यहाँ पे, GTX गैंग ने भी अच्छे खासे 5 किल निकाले फिलहाल के लिए। बाकी यहाँ पे यही थी आज की गेम प्ले और होप करता हूँ कि आपको मज़ा बहुत आया होगा। क्या ही गेम प्ले निकाला आज सूजी की स्क्वाड ने, बहुत दिन से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे बट चिकन डिनर नहीं हो पा रहा था उनका, बट आज यहाँ पे प्रूव करते हुए अपना डोमिनेशन। और मज़ा ही आ गया यार, यहाँ पे हालत बैंड हो गई आज। और अगर आपने गेम इन्जॉय किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बाकी यहीं पे एंड करते हैं, बहुत हालत बैंड हो गई है। सो बाय बाय।